हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय शर्मा और मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएस टेक्रवी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे आप व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप में आप जब किसी को, जैसे कोई भी मैसेज है, ये मैसेज है, जब आप किसी को शेयर करते हैं तो आप केवल इसमें से केवल और केवल 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और को शेयर नहीं कर सकते हैं। बट आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। मैंने उससे मैक्सिमम तो नहीं देखा कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, पर हाँ 5-10 लोगों को एक साथ शेयर कर सकते हैं। इसका प्रयोग जैसे कि अगर कभी आपका बर्थडे है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं और भी कई सारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको चले जाना होगा अपने व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद देखिए, इस फीचर का फ़ायदा पहले तो ये है कि जब आपका बर्थडे होता है तो आप केवल 5 ही लोगों को, मतलब आपका बर्थडे किसी का, जैसे कोई भी त्यौहार पड़ता है तो आप जब किसी को शेयर करते हो केवल 5 ही लोगों को शेयर कर सकता है, मतलब एक बार में शेयर कर पाते हैं। बट अगर दूसरी बार अगर आप शेयर करने जाते तो वो शेयर नहीं होता है, मतलब एक बार में 5 ही लोगों को शेयर करते हैं, फिर आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, तो व्हाट्सएप ने थोड़े से अपडेट किया। उसके बाद इनका जो नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं न्यू ब्रॉडकास्ट, तो इसको आपको क्लिक करना है व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप के बाद एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे आपको साइड में क्लिक करना, और यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप कितने लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, फिर मैं कुछ नाम सर्च करूँगा, उन्हीं को सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको सेलेक्ट करके केवल दिखाऊँगा कि मैं एक साथ कितने लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक उसमें मैसेज भेज सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं अभी कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि इतने ख़ास नहीं, क्योंकि हर लोगों की प्रोफाइल अपनी प्राइवेट होती है। तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी मैं 5 लोगों से ज़्यादा ही लोगों को सेलेक्ट करूँगा, ताकि आप लोग ये ना कहें कि जो भी लोग हैं वो मतलब काफ़ी लोग फेक वीडियोस बनाते हैं, तो वैसा कुछ आपको ना लगे। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, पहले कितने लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है, 3 ये और 3 ये, 6 लोग हो गए। इसके साथ मैं टोटली वैसे तो मैं 10 लोगों को लूँगा, ताकि आपको कोई भी मतलब डाउट ना हो। सॉरी, यहाँ पे हो गए 3, 3, 6, 7 लोग हैं, 2 लोग और ले लेता हूँ मैं किसी को भी। यहाँ पे हो गए मेरे पास 8 लोग, और मैं 1-2 और को ले लेता हूँ। कुछ और दोस्त मेरे हैं जिनको मैं ले लेता हूँ। और देखिए, अगर आपको किसी भी वीडियो का अगर फेक, मतलब कोई अगर आपको कोई भी चीज़ फेक अगर बता रहा हो, तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई फेक मतलब बता रहा होगा तो आप उसकी टाइमिंग चेक करिए, कि जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो मतलब जो भी मतलब कोई भी बंदा होता है, अगर अगर वीडियोस को जैसे रोकने के बाद बनाता है तो कुछ ना कुछ फेयर कर देता है, जिसकी वजह से जो भी मतलब वो होता है वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 9 लोग हो गए, और मैं एक जनी को और भी किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3, 3, 6 और 3, 9, 1, 10 लोग हो गए पूरे। अब यहाँ पे आपको टिक कलर का आएगा, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे देखिए 10 लोग सेलेक्ट हो गए। अब जब आप किसी को भी मैसेज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड नाइट, गुड नाइट, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए, अब ये कोई ग्रुप नहीं है आपका। जैसे कि आपका ग्रुप होता है कि आपको जो भी होता है वो जाता है, तो दूसरे लोगों के पास एक ग्रुप के थ्रू मैसेज जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो मैंने मैसेज भेजा है, ये केवल और केवल जैसे आपकी प्रोफाइल होती है, मेन प्रोफाइल, जैसे कि किसी की, जैसे कोई अगर ब्रॉडकास्ट बना के मुझे भेजता है तो इस जगह वो मैसेज आएगा। जैसे कि मैंने इसको इस तरह भेजा है, पर वो उसके प्राइवेट उसमें जाएगा, ना कि कोई ग्रुप के थ्रू जाएगा। इसका ये फ़ायदा रहता है। और जब कोई आपको मैसेज करेगा तो वो भी अलग अलग दिखाएगा, ना कि ये
जो तो मतलब ब्रॉडकास्ट है इसके अंदर दिखाएगा, पर उन लोगों को ये कोई ग्रुप जैसा नहीं लगेगा, ये मतलब बिल्कुल अलग रहेगा। ग्रुप में क्या होता है कि जब पर भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं, मतलब मैसेज किया जब तक आप इनवाइट नहीं कर सकते तब तक मैसेज नहीं भेज सकते। तो ये खासकर उन लोगों के लिए बताया गया है, जैसे कि आपका कोई त्यौहार होता है तो आप सबको भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए बनाया गया है। इसमें काफ़ी सारे लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी कम ही लोगों को कनेक्ट किया, मैंने एकदम एग्जांपल दिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें, हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट और वो सब यहाँ पे जाके अगर आपको इसको डिलीट करना है तो लास्ट में डिलीट का भी ऑप्शन है, और एडिटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप। पर मेरा मेन मकसद जो था ये बताना था कि आप जैसे कि किसी भी मैसेज को होता है तो उसको 5 लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं, तो यही व्हाट्सएप की तरफ से एक अपडेट है जिसके थ्रू आप 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोगों को तभी फेस करनी पड़ती है जब कोई त्यौहार होता है तभी, क्योंकि तब बार बार आपको वो करना पड़ता है। तो आप फिर से कोई भी ऐसा मतलब जैसे गुड मॉर्निंग होता है तो हर लोगों को गुड मॉर्निंग भेजने लगते हैं, तो वैसा कुछ ना करिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये भी सर्विस अगर कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो ये जो न्यू ब्रॉडकास्ट है इसको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी ना करे, केवल ज़रूरती चीज़ जो दोस्तों को उनको भेजें, या फिर जो भी ज़रूरतमंद है उनको भेजो, मतलब फर्जी में ना भेजें कि ये वो आप बना लिए तो आप हर चीज़, जैसे कि मैं कुछ भी अगर लिखूँगा अभी तो डायरेक्ट वो उनके उसी में जाएगा, ना कि जैसे कुछ भी मैं अगर लिखता भी हूँ तो और जाएगा, और जब मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ से सब में डिलीट हो जाएगा। ये इसका मुझे सबसे बढ़िया फ़ीचर लगा, और साथ में आप मतलब इसमें काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसके आगे भी कई सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलता हूँ मैं कोई नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।